मेरी ये जो क्विल्टिंग जर्नी है, जो मैं नए नए ब्लॉग्स बनाने सीखती हूँ, तो नॉट ओनली कि मैं ब्लॉग बनाने सीखती हूँ, पर मैं उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्ट्री, उसकी स्टोरी भी समझना सीखती हूँ। चाह कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी क्विल्टिंग फ्रेंड से पूछूँ कि इसका क्या मतलब, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसमें एक बहुत पुराना और एक बहुत फेमस और बहुत ही फेवरेट ब्लॉग है, यू नो, फ्लाइंग गीज का। तो और जब मैं क्विल्ट म्यूजियम्स में जाती हूँ, तो इस डिज़ाइन को, इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही स्पेशल एग्जिबिट में रखा जाता है। इसमें बहुत पुरानी पुरानी क्विल्ट्स हैं, यू नो, 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी क्विल्ट्स मुझे म्यूजियम में दिखती हैं। तो फिर मैंने समझने की कोशिश की और ये क्या है, क्यों इतना इसका सिग्निफिकेंस है। एंड मुझे समझ में आया कि जितने लोग अमेरिका में बसे हैं वो सारे एक्सप्लोरर्स थे। शुरू में जब अमेरिका कंट्री शेप होने लगी यूरोपियन से, तो उनको एक्सप्लोरर्स कहते थे। तो ये लोग अलग अलग देशों से, यूरोप से अमेरिका आए थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने परिवार के साथ, और वहाँ सेट होने लगे। और इन्होंने एकदम, कहते ना, स्क्रैच से शुरुआत की, एकदम बेसिक, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इन्होंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, चाहे वो घर है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो रेल रोड्स हैं इनकी। तो औरतें अगेन बच्चों के कारण, यू नो, शुरू में घर में ही रहती थी, फैमिलीज को देखती थी। तो उन्होंने जरूरत के अनुसार क्विल्ट्स बनानी शुरू कर दी। तो उन्होंने, उनके पास वक्त था, वो पैच वर्क करके, पुराने कपड़ों को काट के, डिजाइन्स बना के क्विल्ट्स बनानी शुरू करी। और जिसमें बहुत सारी क्विल्ट्स उन्होंने फ्लाइंग गीज डिजाइन से बनाई। और धीरे धीरे वो जो पास पड़ोस, एक नया नेबरहुड जो था उनका, उससे उनका, क्योंकि वो घर रहती थी तो वो बच्चों को देखती थी, बच्चे खेलने बाहर गए तो यू नो वो भी बाहर आके अपना काम कर रही है, फिर पड़ोस वाले घर से भी औरत आ गई। तो धीरे धीरे एक औरतों का समूह इकट्ठा होता गया, जैसे हम हैं, राइट। हमारे इंग्लिश में भी कहते हैं फ्लॉक ऑफ गीस, या हमारे पंजाबी फोक सॉन्ग में होता है चिड़िया द चंबा, विच इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो वो एक, यू नो, कम्युनिटी बनने लगी, कम्युनिटी ऑफ क्विल्टर्स इन द नेबरहुड। ये एक बहुत सोशल इवेंट बन गया, एक सोशल एक्टिविटी बन गई। एक तो आपका मन लग गया, आपका, यू नो, आपकी नई सहेलियां बन गई, आपके फ्रेंड्स बन गए, और दूसरा आप कुछ बड़ा कंस्ट्रक्टिव कर रहे थे, कुछ बहुत यूजफुल चीज अपने घर के लिए बना रहे थे। तो यू नो आप, और ये जो फ्लाइंग गीस है वो एक तरह से अपनी कहानी बता रही थी, वो जो बना रही थी औरत, के देखो मैं कहाँ यूरोप में थी, मेरी कैसी दुनिया थी, मेरी कैसी जिंदगी थी, और अब मैंने नए सिरे से यहाँ आके अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, और मैं फिट इन हूँ। कहाँ एक यूरोपियन एंड अमेरिकन क्विल्ट ब्लॉक जो फ्लाइंग गीस है, और कहाँ हमारा पंजाब का गाना, साडा चिड़िया दा चंबा। कहीं पे इसका एक कनेक्ट फील होता है कि आई थिंक हम औरतें यही कहना चाह रही हैं कि हम कहाँ से शुरू करती हैं अपनी उड़ान, और कहाँ पे जिंदगी हमें पहुंचाती है, जिस मोड़ पे भी हमें जिंदगी लाती है, हम उसमें खुशी ढूंढ ही लेते हैं और हम मस्त रहती हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अस्त तक खुशी से व्यस्त और हमेशा हमेशा के लिए मस्त। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से। आज एक बेसिक ब्लॉक जो हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है फ्लाइंग गीस। तो आप देखिए, आज हमारी जो फैब्रिक लाइन है फ्लाइंग गीस के लिए जो हमने यूज की है, उसमें हमने चार प्रिंट्स, एक ही प्रिंट है लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स हैं, और हमने छह सॉलिड कलर, सॉलिड जिसको हम इंडिया में प्लेन कलर्स कहते हैं, उसको सॉलिड कलर भी कहा जाता है, हमने उसके साथ, यानी हमने 10 डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ हमारा ये फ्लाइंग गीज बनाया है। तो मैंने इन सब फैब्रिक्स को पहले से ही काट लिया है, और हम इसके स्क्वायर्स बनाएंगे। तो स्क्वायर को आप किस साइड से काटेंगे, क्योंकि हम ये 4 इंच बाई 2 इंच कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके डायमेंशन दे देती हूँ। जब आप 4 इंच करना चाहते हैं फिनिश प्रोडक्ट, तो आप उसमें 1.25 इंच और 1 1/4 इंच, विच इज ये 1 इंच और ये क्वार्टर, 1 1/4, ठीक है। तो जो भी मैंने साइज डिसाइड किया है, मैं उसमें 1/4 इंच ऐड कर दूंगी। तो क्योंकि मैंने मेरा फिनिश साइज 4 इंच चाहा है, तो मैं इसको 1
टू थ्री फोर और सवा इंच, तो वन इंच एंड क्वार्टर, तो सवा पांच इंच के साइज से मैं इनके स्क्वायर्स बनाऊंगी, सवा पांच इंच के। और मुझे इनके साथ कॉन्ट्रास्ट, आप देखिए ये दो कलर है, तो अगर मेरा बड़ा ट्रायंगल जो है उसके लिए मेरा स्क्वायर 5 1/4 इंच का होगा, तो मेरा छोटा उसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो अब छोटा मेरा फिनिश जो है वो 2 इंचेस है, 2 इंच है, तो इसको मैं बढ़ाऊंगी बाय 7/8 of an inch। अब 7/8 of an inch आप कहेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप देखिए जो क्विल्टिंग रूलर्स होते हैं उसमें 8 different breaks होती है पर इंच, देयर आर 8 different partitions, तो आप उसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये 7/8 हो गया, क्योंकि 8 में से 7 भाग आपने ले लिए, 7/8 जिसको कहते हैं, है ना, बटास में, और आपका 2 का साइज है फिनिश, तो 1 2 and 7/8 यानी ऑलमोस्ट 3/4 inch, ये साइज से आपके छोटे स्क्वायर्स कटे। ओके, तो ये मैंने पहले स्ट्रिप्स काटे हैं हर कलर के, ये देखिए मैंने ये हर कलर के 5 1/4 inch के साइज से स्ट्रिप पहले काटा, और उसको मैंने सेल्वेज ट्रिम करने के बाद, और जो छोटा स्ट्रिप है इसी कलर मैंने हर कलर में काटा है, तो ये है मेरा 2 7/8 inch। ठीक है, इन सब स्ट्रिप्स को स्क्वायर्स में बना दूंगी, तो 5 1/4 inch का स्ट्रिप है, तो मैं इनमें से 5 1/4 inch साइज के स्क्वायर्स बना दूंगी, 2 7/8 inch की विड्थ है, मैं इनके स्क्वायर्स भी 2 7/8 inch से काटूंगी। तो उस तरह से हम सब कलर्स के स्क्वायर्स बना देते हैं। तो अब आप देखिए मैंने सारे स्क्वायर्स काट लिए हैं, बड़े भी 5 1/4 inch के और छोटे भी जो 2 7/8 inch के हैं। तो आप देखिए जो मेरा फेवरेट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने 6 solid और 4 prints लिए हैं, तो अब मैं उतने परम्यूटेशन से हर एक ब्लॉक को बना सकती हूँ। जैसे अगर आप देखिए ये वाला है, तो मैं इस कॉम्बिनेशन से पिंक से कर सकती हूँ, फिर ये वाला, यही कलर अब हम चलते हैं। आप देखिए हम रेड से भी बना सकते हैं, ये हमने ब्लू में बना सकते हैं, आप देखिए सबके साथ ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे। खाली इतना हमको ध्यान रखना है कि जब हम प्रिंट बड़ा स्क्वायर लेंगे तो हम छोटे स्क्वायर जो है वो सॉलिड कलर्स में लेंगे, और जब हम बड़ा स्क्वायर सॉलिड लेंगे तो छोटे स्क्वायर प्रिंट मिलेंगे। मैं आपको एक के साथ ये टेक्निक बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए। और उसी तरह से अगर हम सॉलिड के साथ चले, ये जो स्क्वायर्स हैं, आप सोचेंगे अब कितने स्क्वायर्स, क्या हम कितने स्क्वायर्स यूज करेंगे, तो ये जो बड़ा एक स्क्वायर है उसके साथ आपने 4 छोटे स्क्वायर्स लेने हैं। तो अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है, तो मैं इसके 1 2 3 4, ये मैं जब मेरी कटिंग करूंगी, मैं जब काटूंगी तो मैं इस प्रोपोर्शन में काटूंगी। ये जो आपका बैक साइड है, छोटे स्क्वायर का बैक साइड है, उसमें मैं एक डायगोनल लाइन खींचूंगी, जस्ट 1। यही स्टेप, यही टेक्निक, यही क्रिया आप हर एक बड़े स्क्वायर के साथ करेंगे। और ये मैंने इसके इस कॉर्नर में ऐसे फिक्स कर देना है, एक इसके ऊपर के एंड में, और एक जो मेरा रेडी है बैक साइड, देखिए ये राइट साइड टुगेदर है, जो सीधी तरफ है वो इकट्ठी है, सीधी तरफ साथ में है, और जो रॉन्ग साइड है उस पे हमने लाइन ड्रॉ करी है, और हम दोनों, तो ये ओवरलैप करेगा, होना चाहिए, दैट इज करेक्ट, क्योंकि हमारे प्रोपोर्शन उस तरह के हैं। अब हम इनको पिन कर देंगे, ये जो छोटे स्क्वायर्स हैं इनको हम बड़े स्क्वायर्स के साथ पिन अप कर देंगे। और ये जो डायगोनल लाइन आपने बनाई है उसके ऊपर आप नहीं सिलाई करेंगे, उसके बगल में राइट साइड में 1/4 inch छोड़ के आप सीम करेंगे या सिलाई करेंगे, और लेफ्ट साइड में भी 1/4 inch छोड़ के ऐसे दोनों तरफ आप सीम करेंगे। मेरे पास कुछ रेडी ब्लॉक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ब्लैक कॉम्बिनेशन में, तो मैंने ये देखिए बड़ा बड़ा जो है मेरा सॉलिड पिंक है इसमें, और छोटे जो है मेरे
ब्लैक स्क्वायर्स हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मैंने दोनों तरफ इनको सीम टुगेदर कर दिया है। देखिए इसमें मैंने रेड बैकग्राउंड लिया, मैंने सेम ब्लैक, तो मैंने ब्लैक स्क्वायर्स को ही इसके साथ वो करा है, डिसाइड किया है मैंने कि ऐसे यूज करूंगी। जो आपने लाइन बनाई थी, याद रखिए पॉइंट टू पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर, पॉइंट टू पॉइंट, किनारे पे प्रिसिशन का काम है। तो बहुत ध्यान से और बहुत उस आराम से इसको आप तो हम इसको अब जब आयन करेंगे तो वी विल आयन टूवर्ड्स द डार्क साइड, लेकिन उससे पहले हम हमारे स्टिचेस को सेट कर लें। ये जितने ये एक टेक्निक है, ये क्विल्टिंग कम्युनिटी में हर एक को होता है कि हम अपने स्टिचेस सेट कर लें, यानी ये आसानी से खुले ना, ये खुल जाते हैं, तो इसके लिए इसको आप सेट कर लीजिए। एक बार ये आपका स्टिच सेट हो गया, नाउ यू कैन आयन टूवर्ड्स द डार्क कलर। तो डार्क हमारा छोटा है तो हम उसकी तरफ इसको रोल ओवर करेंगे, इस तरह से हमारे रोल ओवर हो गए। अब दो टेक्निक्स हैं, एक ये टेक्निक है जिसमें आपने इसको रोल ओवर करा है, और दूसरा टेक्निक है जिसमें आप सीम अलाउंस खोलते हैं, जो मुझे पसंद है। मैं आपको दोनों टेक्निक्स दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसको सेट कर लूंगी मेरे स्टिचेस को, और अब मैं इसको I'll open the seam allowance. ये जो seam allowance है, मैं दोनों तरफ इसको खोल लूंगी। तो आप देखिए कि मैंने ये finger press कर लिया है, मैंने मेरी seams खोली हैं। बहुत ध्यान से इधर एक बार लगा के seam खोल के इसको iron कर दूंगी। तो अब हम जो remaining बाकी के जो दो छोटे squares थे जिनपे हमने पहले से ही लाइन बना ली है, अब हम उसको अरेंज करेंगे। तो वो जो लास्ट पॉइंट है, आप उस पॉइंट पे ही इसको सेट करेंगे, और आप देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम उसको एक पिन दे देंगे, आप पिन अप करिए। ये आप देखिए जो लाइन है, हमारी लाइन है, उसके आप क्वार्टर इंच राइट साइड और क्वार्टर इंच लेफ्ट साइड उस पे आप स्टिच करेंगे, सिलाई देंगे, और आप इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए हमने ग्रीन और ये जो ब्लैक जैसे पीसेस हैं वो स्क्वायर्स लगा के इसको हमने आइदर साइड स्टिच कर दिए। देखिए, और अब हम इसको जब काटेंगे ये देखिए हमारे ये दो बन गए हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा आप इसको रोल ओवर करके आयन कर सकते हैं, या आप इसकी सीम अलाउंस खुल के आयन कर सकते हैं। अब आप इसके जो डॉग ईयर्स हैं, ये देखिए ये जो हमने आयन किए, तो ये जो पीछे का हिस्सा है जो एक्स्ट्रा है, कि ये डॉग ईयर्स की तरह नहीं है, अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली हो तो बिल्कुल उसी की तरह उनके कानों की तरह है ये, तो इसको अब हम ट्रिम आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हमारे दोनों फ्लाइंग गीस तैयार हो गए हैं, और एक ब्लॉक में हमें चार मिल जाएंगे। तो अब हमने देखिए एक स्क्वायर के साथ ये चार 1 2 3 4 फ्लाइंग गीस तैयार कर दी है। और आप ये जो पीछे ये ट्रायंगल के पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है प्रिंट वाला वो रहेगा, क्योंकि वो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये सीम अलाउंस बन जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे और खोलेंगे तो ये सीम अलाउंस हो जाएगा। तो 1 big square and 4 small squares, और आपको हर कॉम्बिनेशन में, अब आप सोचिए इसका हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, जिसमें हम ब्लैक अंदर और ग्रीन बाहर रख सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। और मैंने दो बेसिक असेंबलीज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो डिज़ाइन है इसको हम शेवरॉन कहते हैं, ये जो वीज बनते हैं, और आप इसकी पूरी वेव बना सकते हैं जो मैंने बनाई आपसे दिखाऊंगी। और ये एक और है, तो आप देखिए मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट किया है। अब इसको लेआउट करना कितना आसान है, देखिए अब आप हर कॉम्बिनेशन में से बना सकते हैं, और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल क्विल्ट बनती है। ना आपको कोई पैटर्न चाहिए, ना आपको कोई बुक्स चाहिए, आप उसी से कर सकते हैं। यू जस्ट कीप मूविंग। अब जैसे मैं एक और आपको दिखा देती हूँ लेआउट।
आप ये देखिए सेम थिंग, मैंने सॉलिड अंदर और प्रिंट बाहर, और यहाँ प्रिंट अंदर और सॉलिड बाहर, और उसको तीन तीन के मैंने फ्लाइंग गीज एक कलर कॉम्बिनेशन के जोड़ दिए, और उसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए, थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने एक ब्राउन बॉर्डर ऐड कर दिया है इसके साथ और ब्लू इसके साथ। देखिए ये मेरा प्राइमरी ब्लॉक बन गया फ्लाइंग गीज को जोड़ के और बॉर्डर लगा के, और इससे मैंने फिर बड़ा ब्लॉक बनाया। तो मैंने ये चार चार के पहले ब्लॉक्स बनाए हैं 1 2 3 4, और फिर मैंने इसको बढ़ाया। तो आप देखिए कि यू नो जस्ट माय इमेजिनेशन, मेरा आइडिया कि मैंने इसमें मेरी गीज को बाहर, तो एरोज ही एक तरह से हैं जो बाहर पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट पे कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऊपर था तो इस तरह मैंने नीचे कर दिया, ये लेफ्ट था तो ये राइट कर दिया। ये एक ब्लॉक बन गया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ये वाला लेफ्ट में बाहर जा रहा था तो इसको राइट कर दो, ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे कर दो, तो ऑपोजिट्स कर दिए। इट्स ऑल माय इमेजिनेशन। अभी हम आपको थोड़े से हमारे जो लेआउट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे।